नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सेब का सिरका खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मोटापा, डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई बीपी और गठिया के लिए तो ये किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। लेकिन हर चीज का जहां एक फायदा होता है तो वहीं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जी हां, अगर गलत तरीके से लिया जाए तो सेब का सिरका भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप डायबिटीज मरीज हैं तो खाली पेट या भोजन के बाद इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। कुछ डायबिटीज टाइप 1 के मरीजों में गैस्ट्रोपेरिस होता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। इससे पाचन क्रिया में समस्या हो सकती है और ब्लड शुगर भी अनकंट्रोल हो जाता है। वहीं ज्यादा मात्रा में इसका सेवन रक्त शर्करा के स्तर को कम कर देता है, जिससे अगर आप ब्लड शुगर की दवाई ले रहे हैं तो आपको विनेगर का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। वहीं सेब के सिरके में एसिड होता है, इसलिए इसका ज्यादा सेवन इसोफोगस टूथ इनेमल का कारण बन सकता है। ब्रश करने के तुरंत बाद सेब का सिरका ना लें, इससे दांतों में झनझनाहट और दर्द की शिकायत होती है। वहीं सीधे त्वचा पर इसका इस्तेमाल करने से भी आपकी त्वचा को कई तरह से नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे में आप पानी या फिर शहद में मिलाकर ही सेब के सिरके का इस्तेमाल अपनी त्वचा पर करें। आपको बता दें कि सीधे तौर पर सेब का सिरका लेने से हड्डियों में मिनरल घनत्व कम हो जाता है, तो वहीं ब्लड में पोटेशियम का स्तर भी गिर सकता है। ऐसे में रोजाना 2 बड़े चम्मच से ज्यादा सेब का सिरका नहीं पीना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।